दूरी पर है और हम लोग वही हाईवे मैप पे लगाए हुए हैं। थोड़ा सा अच्छा रोड मिला था और फिर से ख़राब रोड हमें मिल चुका है। और ये क्या है गुड़ू, गाड़ी चला, ये वाली रूट पे जाना पड़ेगा, कनेक्ट करना चाहते हैं इस तो बस चले पड़े हैं। और यहाँ पे एक बोर्ड नजर देख रहे हैं, इसमें ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है। रेलवे स्टेशन के लिए ये वाली रूट है सीधा वाली। और हे गाइस, वेलकम बैक, मैं यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोड पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो अभी हम संबलपुर पर हैं और अभी हम लोग बैग तैयार कर चुके हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर के लिए। यहाँ से लगभग 280 किलोमीटर के आसपास में है भुवनेश्वर और अभी टाइमिंग की बात करूँ तो लगभग 12:30 से ज़्यादा हो चुके हैं और पता नहीं अपन शाम तक कितने समय तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद तो कर रहे हैं कि अपन 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे कैसे, और रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि रोड कैसी है। और जाते जाते आप लोगों को मैं बतलाते हुए चलूँगा कि रोड कैसी बनी हुई है। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट। निकल चुके हैं होटल से, अभी हम लोग हाईवे में कनेक्ट होंगे, उसके बाद फिर दबाते हुए निकलेंगे क्योंकि पहुँचते पहुँचते तो शाम के लगभग 7 आराम से बच जाएंगे। कोशिश यही है कि अंधेरा होने से पहले अपन पहुंच जाएं क्योंकि यहां से 280 किलोमीटर है तो मान के चलो 3-3.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, उससे ज़्यादा लगेंगे। और रोड अच्छी है तो, अगर रोड ख़राब है तो फिर मान के चलिए आपका 5-6 घंटा कहीं नहीं गया। ये भाई क्या कर रहा है यार, ये ना खुद जा रहा ना हमको जाने दे रहे हैं। तो हम लोग यहीं से गए हुए थे उमा टेंपल के लिए, यहीं से सीधा सीधा ही आपको जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। 22 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग वही हाईवे मैप पे लगाए हुए हैं, हाईवे यहीं से कहीं आगे से कटना पड़ेगा। लेफ्ट हम लोग कट गए हैं और यही रोड लेके जाती है टेंपल के लिए। आप चाहे तो मैप के थ्रू भी जा सकते हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है लेकिन मैं बाई रूट आप लोगों को बतलाते हुए नहीं गया था। ओवर ब्रिज में सब्जी मंडी लगी हुई है गाइस, ये देखो हमारे राइट साइड में, और यही रूट सीधा सीधा लेके जाती है उमा टेंपल के लिए। तो ये देखो ये चौक सीधा सीधा अभी हम लोग जा ही रहे हैं, कहीं मुड़े नहीं हैं, हाईवे की तलाश में हैं। मैप पे लगा के रखे हुए हम लोग, सीधा लेके जाती है टेंपल के लिए। लोग सिटी से बाहर हो चुके हैं और वो जो नज़र आ रहा है वो हीराकुंड डैम का पहाड़ है। राइट साइड में काफ़ी कुछ घूमने लायक जगह हैं तो अभी हम लोग मेन हाईवे में कनेक्ट होने वाले हैं। मतलब कि सिटी में जोड़ने के लिए ये वाली रूट को चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि सिटी के लोग यहाँ से भी आना जाना कर पाएँ हाईवे के लिए। सहारापुर से कल हम लोग आए हुए थे और बाइक राइड आपने देखा होगा, हमने संबलपुर घुसने के लिए जो हाईवे था कोलकाता हाईवे वो छोड़ दिया था सिटी घुसने के लिए। तो वो जो रूट है वो सीधा सीधा लेके जाती है कोलकाता के लिए। अगर आपको पूरी जाना है तो जहाँ से अभी मैं आया हूँ ये वाली रूट से ही आना पड़ेगा आप लोगों को, ये भुवनेश्वर और पूरी लेके जाती है। मुझे क्या लग रहा था कि उसी रोड में ही घुस के जाना पड़ेगा लेकिन नहीं, पूरी और भुवनेश्वर जाने के लिए रूट चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये मिस्टेक था मेरा जो आप लोगों को मैंने बतला दिया। और ये देखते हैं रोड कैसी है, वैसे तो रोड अब जाकर अच्छी मिल चुकी है, चौड़ी चौड़ी। इस थोड़ा सा अच्छा रोड मिला था और फिर से ख़राब रोड हमें मिल चुका है। ये देखो रोड बन नहीं पाया है प्रॉपर, तो इस तरह से रोड आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा, पता नहीं आगे कैसा है। और हम लोगों को 280 किलोमीटर जाने हैं, अगर इस तरह से ख़राब रूट मिलता रहा तो भाई रात के 10 बज जाएंगे, तब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऐसे में अपन स्पीड कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग तो 1 बजे निकल रहे हैं। तो देख रहे हैं अभी चौड़ीकरण किया जा रहा है और इस रोड में बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। तारीफ क्या किए भाई कि उड़ीसा में रोड बहुत तगड़ा बना हुआ है, उद्घाटन देख रहे हो आज ख़राब रूट से हो रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, काफ़ी बड़े पहाड़ हैं, अब जाके अच्छी रूट मिली है। जैसे अपने अंबिकापुर में बना है ना, अंबिकापुर अपन जाते हैं भिलाई से होते हुए, भिलाई हो गया रायपुर, फिर उसके बाद बिलासपुर, फिर कटघोरा, सेम कंडीशन यहाँ भी वही है, पूरा सीमेंट का रूट बना हुआ है। देखते हैं
अभी तो अच्छी रूट मिल चुकी है अपने को, अगर ये कंटिन्यू ऐसी मिलते रहा तो अपन पहुंच जाएंगे 6-7 बजे तक। घने घने पेड़ पौधे हैं, सामने में पहाड़ भी नज़र आ रहा है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं अंबिकापुर जा रहा हूँ, सेम वही फीलिंग आ रही है। ऐसी ही अंबिकापुर वाली रूट पर आप लोगों को घने घने पेड़ पौधे मिलेंगे और ऐसी सेम ऐसी सड़कें, सेम ऐसी वादियाँ, वैसी फीलिंग आएगा आप लोगों को अगर आप इस वाली रूट से जाते हैं। दो रूट है, एक रूट तो काफ़ी लंबी है, वो है 350 किलोमीटर की राइड होती है, उसमें बहुत लंबा राइड होता, और दूसरा ये है जो शॉर्टकट है जिसमें अपन ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि बीच बीच में इस तरह से ख़राब रूट आपको मिलते ही रहेंगे। ये देखो इतना ख़राब रूट में ब्रेकर दे दिए हैं। यहाँ पे स्कूल है, बच्चे लोग पढ़ाई करने आए हुए हैं। तो ये नज़ारे देखिए, पहाड़ सामने में, बहुत लंबी पहाड़ है ये और दूर काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है। तो देख ही रहे हैं भाई, रूट का जगह जगह पे काम चल रहा है, अभी तक रूट बन नहीं पाई है। सेम वही कंडीशन, अंबिकापुर ज़्यादा था ना बाइक से, सेम वही कंडीशन है यहाँ भी। अभी तो खैर अंबिकापुर का अच्छा खासा बन भी चुका है, लेकिन यहाँ वैसी का वैसा ही है। मतलब कि इस रूट पे आओगे तो कम से कम आपको 5-6 घंटे आराम से लग जाएंगे, उससे ज़्यादा लगेंगे लेकिन उससे कम नहीं लगेंगे। पूरी रूट ऐसी है। यहाँ पर एक मंदिर है, ये देख लो, जय माता दी। इस तो अभी हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ढाबा दिखाया है, यहीं पे अपन चाय और पानी पियेंगे। भाई रूट यार बहुत बकवास रूट है, और कहीं पे अच्छी आ रही है, कहीं पे ख़राब आ रही है, हालत हम दोनों का टाइट हो चुका है। और ये देखो ब्लूटूथ भी निकल गया है लड़के का, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा नहीं तो। ठीक है गाइस, आप लोगों को बाई रूट बतलाते हुए जा रहा हूँ। अभी हम लोग शायद तक 80-90 किलोमीटर आ गए हैं मुझे लगता है, पता नहीं कितने आए हैं। अपन चाय पी लेते हैं। तो ये ढाबा का नाम है तारिणी ढाबा। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि तारिणी के नाम पे ढाबे का नाम रखा हुआ है। तारिणी को दिखलाऊंगा, यहाँ पे तारिणी ढाबा भी खुला हुआ है। तो यहाँ पे चाय नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पानी ये सब भी मिलेंगे। तो आए हैं तो कुछ ना कुछ पी कर ही जाएंगे। तो अमूल लिए हुए हैं मजा आ गया भाई, खराब है और तो भैया बता रहे हैं। तो अभी हमें एक पहला टाउन मिला है, ये देखो स्कूल भी यहाँ पे, और गाड़ी भाई चला रहा है। रोड की कंडीशन तो और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, और अभी हम लोग केवल वही 80-90 किलोमीटर ही आ पाए हैं। अभी हम लोगों को 200 किलोमीटर और आगे बढ़ना है। बताओ किस तरह का रूट है कि क्या ही बताएं। और मैं पीछे में बैठा हुआ हूं, आप लोगों को दिखला रहा हूं यहां का टाउन। नहीं तो इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, एक ढाबा बस मिला था जहां पे अपन चाय नाश्ता किए थे। अच्छा ये भी थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है, मैं तो छोटा मोटा होगा सोच रहा था। मार्केट वार्केट सब है रोड किनारे में, बड़े बड़े गाड़ियां चल रही हैं इस साइड। और अरे वो स्कूल के बच्चे लोग, मैं आगे में भी देखते हैं यहां से मैप में। और ये क्या है बड़ू, फुटबॉल। गाइस तो देखो टाउन से बाहर निकलते निकलते यहाँ पे मार्केट भी लगी हुई है। मार्केट का भी व्लॉग बनाएंगे यहाँ पे, जैसे अपन बस्तर का मार्केट का व्लॉग बनाए थे ना, उस तरह से यहाँ भी मार्केट लगती है। देखो सप्ताह में एक बार पकड़ने वाला। अच्छा मच्छी पकड़ने वाला जाल, शायद आपको अच्छे से दिख भी ना रहो, काफ़ी लंबी मार्केट लगी हुई है। देखो अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं, छोटी छोटी मछली भी आई हुई है। तो ये खूबसूरत से नज़ारे देखो आप लोग भाई, क्या गजब के नज़ारे हैं, बेहतरीन।
इधर भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। गाइस तो अभी हमें एक और टाउन देखने को मिला है, ये देख सकते हो आप लोग, ये पूरा दुकान लगे हुए हैं और रोड की कंडीशन जैसे के तैसे ही है, कुछ बदला नहीं है। ये देखो जगह जगह पे रोड का काम चल रहा है। और ये मार्केट SBI बैंक है इस साइड। तो अभी लगभग 4 बजने वाले हैं। गाड़ी चला रहे थे आप, मेरी बारी है, देख आराम से नीचे नीचे गिर जाते। और ये देखो पहाड़, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है भाई, बहुत प्यारा। और जगह जगह पे रूट देख रहे हो, गड्ढे गड्ढे रूट हैं, पूरी ख़राब रूट है। और यहाँ पे अपन थोड़ा देर रुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को नज़ारा यहाँ का दिखलाते हुए आगे बढ़ता हूँ। अभी 150 किलोमीटर और अपने को जाने हैं, तो ठीक है, ये ट्रेन रूट है, ट्रेन की पटरी, यहीं से जाते हैं लोग पुरी के लिए। ट्रेन से भी कभी जाएंगे अपन, अभी तो हम बाइक से ही जा रहे हैं पुरी। और पुरी यात्रा आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके बताइएगा। हमारा फुल कोशिश है कि जितने भी जगह हैं सारे पॉइंट आप लोगों को घूम कर दिखलाएं अपने नज़रिए से। बाकी भाई साहब, संबलपुर से जो भुवनेश्वर वाली जो रूट है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लग जाएंगे कम से कम 10 से 15 साल तो लग जाएंगे इस रोड को बन। गाइस अभी शाम के 4:10 हो रहे हैं, अभी हम लोग रुके हुए हैं नाश्ता पानी करने के लिए। यहाँ पे हम लोग पेटीज ऑर्डर किए हैं जिसका कॉस्ट है 30 रुपीज़। और यहाँ पे बगल में SBI का ATM भी है। तो भाई आज तो रात होने वाले हैं क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं तो शाम के 6 बजे तक पहुँचा देता हूँ भुवनेश्वर, रोड अच्छी होती तो, लेकिन रोड अच्छी नहीं है। और बस थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, उसके बाद फिर पेटीज खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे भुवनेश्वर के लिए। देखते हैं 8 बजे जाएंगे अपने को। भैया का नया नया सॉस है, अपना पेटीज पनीर पेटीज पाउच रहा था, तो कह रहा अच्छा है लोकेशन, वहाँ पे चाय भी मिल जा रहा है, चाय भी पियेंगे। और भाई वॉशरूम गया हुआ है, हम लोग खा पी के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी शाम के 4:30 होने वाले भाई साहब। देखो सामने में एक छोटा सा और कस्बा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को चाय नाश्ता तो आराम से मिल जाएंगे। और कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं वहाँ पे। अभी थोड़ा रूट ठीक ठाक मिला है, अरे बीच बीच में छोड़ दिए हैं भाई, लेकिन पहले से थोड़ा अच्छा रूट अभी मिल रहा है अपने को। तो ये रूट भी लेके जाती है भुवनेश्वर के लिए, लेकिन अभी हम रूट चेंज करने वाले हैं क्योंकि रूट है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो वाला रूट पे जाना पड़ेगा अपने को। ओ भाई ये वाली रूट पे जाना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं ये वाली रूट को भी कैसा है क्या है। अरे तेरे इतना सारा ब्रेकर, और 125 किलोमीटर दिखा रहा था बोर्ड पे, 125 किलोमीटर और बचा है भाई। लेकिन रूट अब सही होता ना तो अपन अभी तक पहुंच गए होते। सपने को लेना है लेफ्ट, ये वाली रूट लेके जाएगी भुवनेश्वर के लिए। दिख तो रहा है भाई ठीक ठाक रूट, भले सिंगल रहा है लेकिन भाई रूट अच्छी होनी चाहिए। तो ये पतली सी सड़कें हैं, अभी तक तो ठीक नज़र आ रहा है भाई साहब। और इसमें अपने को लगभग 25 से 30 किलोमीटर ऐसे जाना है, फिर जाके ये हाईवे में कनेक्ट करेगा भुवनेश्वर वाला। तो ठीक है, जब तक तो लग रहा है अंधेरा हो जाएगा, फिर भी आप लोगों को जैसे तैसे दिखला दूँगा हम लोग कौन कौन रूट से जा रहे हैं करके, ताकि अगर आपको इससे बेस्ट ऑप्शन मिलता है तो आप उसमें चले जाइएगा। ये वाले रूट की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं किस कदर से हालत ख़राब हो गई है हमारी, क्योंकि समय भी कम था हमारे लिए और लंबा राइड भी करना था, और ऊपर से दो दो लोग बैठे हुए हैं एक बाइक में। अगर एक पर्सन होते
तो उतना तकलीफ नहीं होता, अपन अपने तरीके से मैनेज करते हुए भगाते हुए चलते। पता चल रहा है गाइस कि जिस खटारा हाईवे को अपन छोड़ कर आए हैं उसी में लाकर जोड़ेगी तो फिर दिमाग का दही हो जाएगा यार। अच्छी वाली रूट पर अगर जो कनेक्ट करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो ब्रेकर है ना भाई, वो पूरा पेंट मार दिया वाइट वाइट, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो ब्रेकर है करके। अभी मस्त शानदार सा रूट मिला हुआ है जिस पे अपन अपनी बाइक को भगाए पड़े हैं, क्योंकि जल्द से जल्द हम हाईवे में कनेक्ट करना चाहते हैं। इस तो बस चले पड़े हैं और यहाँ पे एक बोर्ड नज़र आया है, देखते हैं कितना किलोमीटर और बचा रह गया भाई। भगा तो रहा हूँ गाड़ी को, अच्छी रोड मिल रही है तो देखो बस वगैरह भी सब चल रहे हैं इस साइड में। और भाई यहाँ पे जो ब्रेकर है यार, कितना ख़तरनाक ब्रेकर बनाया हुआ है कहाँ लिखा हुआ है भुवनेश्वर 120 किलोमीटर। अरे देखना भाई इधर 120 किलोमीटर। अभी मार्केट एरिया आ गए हैं हम लोग, तो पेट्रोल मैंने अभी तक तो डलाया नहीं है भाई, डलाना भी पड़ेगा पेट्रोल वगैरह। मन तो कर रहा है कि यहीं कहीं होटल पे रुक जाऊं करके, अब अंधेरा होने वाला है गाइस, तो मन नहीं करता है कि मैं गाड़ी चलाऊं, क्योंकि अंधेरे में ही अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि कभी कुत्ते आ जाते हैं, कभी गाय आ जाते हैं, कभी इंसान ही दौड़ जाता है वगैरह वगैरह इस वजह से। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी हो गई है। भाई को मैं अभी बोल रहा था कि यहीं आसपास के होटल में रुक जाएँ क्या, बोलता है अरे धीरे धीरे चले जाएंगे ना 9 बजे तक। बोला चलो ठीक है भाई, अकेले होता तो मैं आगे नहीं बढ़ता, आसपास के होटल में मैं रुक जाता। पेट्रोल डलाने के बाद में भैया से पूछे कि हाईवे कितना दूर है, बोलते हैं 80 किलोमीटर के बाद हाईवे मिलेगा। मतलब कि पूरा ये रूट भुवनेश्वर लेके जाएगी समझ लो, 20 किलोमीटर बस बचा रह जाएगा। और सामने में आप लोगों को शायद दिख रहा होगा पहाड़, तो भाई उड़ीसा में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। और अब ठंड भी महसूस हो रही है हमें, धीरे धीरे अब अंधेला भी हो जाएगा। और ये रूट देख रहे हैं, इसमें ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है। ठीक है गाइस, जितना हो सकता है उतना आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। वो पेड़ पौधे घने घने, उड़ीसा में भाई शेर भयानक निकलते हैं यार, आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शेर बहुत निकलते हैं। तो अभी एक और टाउन पड़ा है, ये देख सकते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है भाई ये वाला टाउन। और हम लोग चाय पीकर आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे टाउन देखने को मिले हैं बीच बीच में। और ये वाकई में हाईवे जैसा ही रूट बना हुआ है, अच्छी रूट है, मक्खन रूट है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे इस रोड में ना बहुत सारे ब्रेकर थे, हालांकि अभी तो नहीं मिल रहे ब्रेकर, अंधेला होने की वजह से सामने से जब गाड़ी आ रही ना बहुत तेज़ रफ्तार से फोकस करती है, फोकस मारती है, तो दिखता भी नहीं है। और बीच बीच में इस तरह से गड्ढे भी मिलेंगे ये देखो। तो आसपास में वैसे घूमने लायक बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, बोर्ड पे मेंशन है, लेकिन क्या करें हमारे नसीब में नहीं है। देखते रिटर्न होते समय गाइस, तो ये वाली रूट से आना होगा कि नहीं होगा नहीं पता। ये वाली रूट से अगर हम लोग रिटर्न होते हैं तो कोशिश करेंगे आसपास का जो एरिया है उसको कवर। गाइस तो अभी हम लोग रसूल पहुंच चुके हैं और यहां से लगभग 90 किलोमीटर है भुवनेश्वर। अभी हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं और ठंड लग रही भाई, एक 6 बज गया। जिस रूट से हम लोग आना जाना कर रहे हैं वो रूट बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ी एरिया है, तो लग रहा है को ठंड। तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 90 किलोमीटर की जर्नी और आगे करेंगे। आप देख सकते हैं ये है दुकान जहाँ पे अपन चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, पेट्रोल पंप है यहाँ पे। तो दोनों भाई सकल सूरत पूरा बिगड़ चुका, पूरा बिगड़ चुका हम दोनों का सकल सूरत, अजीब से दिख रहे हैं। कूलर में मिली है चाय अपने को, चाय अच्छी है, मस्त अदरक लौन इलायची सब डला हुआ है, अदरक दबा के जो जिसकी ज़रूरत थी अपन को। तो बस ये ख़त्म करते हैं फिर आगे। अभी 7:10 हो रहे हैं, 40 किलोमीटर और रह गया है भुवनेश्वर। भाई साहब 8:30 आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होटल वगैरह क्या है, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। और ये रात को चलने वाली सब बस चल रही है भुवनेश्वर से संबलपुर और संबलपुर से भुवनेश्वर।
ये देखो यहाँ पे खाने पीने के भी काफ़ी सारे दुकानें हैं, शॉप है। ओ भाई का करत रहा बाड़ू। तो भुवनेश्वर तो गाइस सीधा ही सीधा अपन चल रहे हैं, कहीं मुड़े नहीं हैं, जिस रोड से अपन फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एकदम सीधा सीधा है, और रोड भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंगल रूट है तो थोड़ा सा देख दाख के चलाना पड़ता है। इस यहाँ से मुड़ना है, गाइस तो ये कटक रोड है, और अभी हम लोग भुवनेश्वर सिटी से मात्र कितना किलोमीटर दूर है, 18। अरे तो अब हम मेन सिटी पे एंट्री ले चुके हैं। ये देखो भाई इतने बड़े बड़े यहाँ पे, हालांकि 8:30 बजे आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखला रहा हूँ, मैं खुद देख के दंग हूँ भाई, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए इस साइड में। सीधा सीधा जा रहे हैं हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए ये वाली रूट है सीधा वाली, और कल अच्छे से दिखलाएंगे आप सभी को सिटी भुवनेश्वर सिटी, और कौन कौन से जगह हैं घूमने लायक उस पर भी बहुत जल्द व्लॉग आने वाला है। तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हम तो अपनी गाड़ी को लेके आए हैं भाई, छत्तीसगढ़ की गाड़ी ओडिशा में। ये सब होटल है, इसी में से किसी एक होटल में देखते हैं कहाँ लगा हुआ है खाने पीने का। यहीं चले क्या खाने पीने के लिए हा? चले इधर है रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर का, तो हम लोग सोच रहे पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, उसके बाद फिर अपन होटल वगैरह देखेंगे भाई साहब। हाँ चौपाटी लग रहा है। तो कल रात को हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, और रूम बहुत दिक्कत के बाद में ये रूम मिला अपने को, और इस रूम का कॉस्ट है 1300 रुपये एक नाइट का, और ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाया था क्योंकि ऑलमोस्ट नाइट हो गए थे, और कोशिश किया था आप लोगों को हल्का फुल्का एक झलक दिखलाने का भुवनेश्वर सिटी को, लेकिन हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अपन अलग से एक व्लॉग बनाएंगे भुवनेश्वर सिटी का, उस पर पूरा जानकारी भी दूंगा कहाँ पे आप लोगों को बेस्ट होटल मिलेंगे, रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, बस स्टैंड कहाँ पर है, और आसपास में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो पे।